हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग एवं लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8880428011। और हम लोगों का ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली 110019, नेहरू प्लेस, सिद्धार्थ बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 96, बेसमेंट, शॉप नंबर B3, बेसमेंट में शॉप नंबर B3। और हमारी ऑफिस का नाम है इंजीनियर्स चॉइस। इसके अलावा हमारा आईआईटी दिल्ली कटवारिया सराय में भी एक ब्रांच है, जिसका नाम है एनी टाइम कंप्यूटर सॉल्यूशंस। ओके, सो आई होप आपको हमारी डिटेल्स पता चल गई होगी। इंजीनियर्स चॉइस हमारी ऑफिस का नाम है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800428011। आप हमें लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए एवं लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, हम लोग पर्सनल क्लासेस अवेल कराते हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है PSL लॉजिक, पावर फिक्स लॉजिक। PSL लॉजिक क्या होता है, यह किस प्रकार से किसी भी मदरबोर्ड को ट्रिगर करने में सपोर्ट करता है। जनरली PSL लॉजिक का यूज़ थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन के मदरबोर्ड्स में यूज़ किया गया। सो एक बहुत ही कॉमन लैपटॉप का मॉडल नंबर है डेल बोस्त्रो 3542, जिसका मदरबोर्ड का पार्ट नंबर होता है जनरली 13269-1, सीडार मॉडल। ओके, कभी न कभी आप लोगों ने इस मॉडल को फेस किया होगा रिपेयर करने के लिए। सो चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका PSL लॉजिक किस प्रकार से वर्क करता है। हमारे YouTube के कुछ व्यूअर्स ने हमें ये कमेंट डाला था कि आप PSL लॉजिक के बारे में कुछ डिस्क्राइब करें। सो उसी व्यूअर्स की इच्छाओं के अनुसार और कह सकते हैं कि व्यूअर्स ने जो कमेंट डाला उसकी इच्छा के अनुसार ही हम ये वीडियो बना रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने व्यूअर्स को थैंक्स कहना चाहूँगा, जिनके द्वारा मुझे ढेर सारा विशेष, बहुत सारा प्यार लगातार मिलता जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से मेरे ऊपर बिलीफ बनाए रखें और अपना प्यार मेरे साथ बरकरार रखें। मैं डे बाय डे आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। जो भी मेरे से हो सकेगा संभवतः मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा या गाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं PSL लॉजिक। PSL लॉजिक क्या है, ठीक है, पावर स्विच लॉजिक। सबसे पहले PSL लॉजिक का आपको ब्लॉक डायग्राम समझना पड़ेगा।
ठीक है, कि पीएसएल लॉजिक किन किन बातों पर डिपेंड करता है और पीएसएल लॉजिक में कौन कौन से सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं। सो चलिए देखते हैं पीएसएल लॉजिक के लिए। आपका सबसे पहले आपको पता है कि कमांडर आईसी यानी कि आयो मेन रूप से इन्वॉल्व होती है। आयो ईसी या इसी को हम बोलते हैं कमांडर, ठीक है। और आपका इसमें चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी ऑन ऑफ स्विच, ये दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और मदरबोर्ड को ट्रिगर करने में हेल्प करते हैं। PCH या SOC, BIOS। सबसे पहले हमारा यहाँ से AC इन या कह सकते हैं यहाँ से AC ओके AC ओके या AC इन का सिग्नल आउट होता है। ये रजिस्टर हो, रजिस्टर के बाद इस सिग्नल का नाम हो जाता है PSL इन वन, ठीक है। यहाँ पे AC ओके हैश या AC इन हैश सिग्नल आउटपुट किया जाता है चार्जिंग IC के द्वारा। अब मैं बताऊँगा इसकी क्या सिचुएशंस होगी। और ऑन ऑफ स्विच के द्वारा आपका सिग्नल आउट होता है और इसका नाम होता है PSL इन टू। दो ये मेजर इनपुट्स होंगे आयो के लिए। इन इनपुट्स के बिहाफ पे ही आयो एक सिग्नल आउट करती है जिसका नाम होता है PSL आउट, ठीक है। इसके बाद आपका सिग्नल आउट होता है ट्रिगर करने पर RSM रीसेट स्टी हैश। लेकिन इससे पहले आपका BIOS का कम्युनिकेशन बिल्कुल ही परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि हमारी BIOS एकदम ओके होनी चाहिए। इसी BIOS जो IO के साथ कम्युनिकेट करती है, ठीक है। सो अगर मैं इस ब्लॉक डायग्राम, इसको कहेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ PSL लॉजिक, इसे हम कहेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ PSL लॉजिक, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ PSL लॉजिक, इसमें सबसे पहले आपका रोल होता है चार्जिंग आईसी का, सेकेंड नंबर पे आपका हो गया आयो का, सॉरी ऑन ऑफ स्विच के सिग्नल का, थर्ड नंबर BIOS का, फोर्थ नंबर आपका PSL आउट, फिफ्थ नंबर RSM। इसके बाद जो आपके सिग्नल्स आते हैं मेन रूप से रिप्लाई आता है SLP अंडरस्कोर S5 हैश और SLP अंडरस्कोर S4 हैश। ठीक है, S4 रिसीव होने के बाद ही मदरबोर्ड आपका कह सकते हैं ट्रिगर करता है और रैम सप्लाई का फॉर्मेशन होता है। SLP अंडरस्कोर S5 हैश रिस्पॉन्सिबल होती है 3 और 5 वोल्ट के रेगुलेटर को इनेबल करने के लिए और SLP अंडरस्कोर S4 हैश रिस्पॉन्सिबल होता है सच सप्लाई को इनेबल करने के लिए या रैम सप्लाई के रेगुलेटर को इनेबल करने के लिए, ओके।
रैम सप्लाई की जनरली दो इनेबल्स होती हैं, एक SLP_S4# और SLP_S3#, जिसमें से प्राइमरी इनपुट इसकी SLP_S4# ही होती है। जब ये रिसीव होता है तभी आपका IO है वो इनेबल सिग्नल रैम IC को भेजते हैं। इसको समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये PSL लॉजिक आपका ये तभी वर्क करेगा जब चार्जिंग IC से निकलने वाला PSL_IN1 की सिचुएशन ओके हो, PSL_IN2 की सिचुएशन ओके हो और PSL OUT की सिचुएशन ओके हो। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे समझेंगे कि PSL IN1 और PSL IN2 साथ ही साथ PSL OUT की क्या कंडीशन होती है, इनके सिचुएशंस के क्या कंडीशंस होती हैं, ये लो सिग्नल्स होते हैं या हाई सिग्नल्स। जनरली देखा गया है कि आपका PSL_IN1 इसकी जो कंडीशन होती है लो लॉजिक, PSL_IN2 की जो कंडीशन होती है वो हाई होती है, और जो PSL OUT होगा, आउट का जो कंडीशन होगा वो लो होगा, यानी लो हाई लो। जो मेन PSL लॉजिक है जिसमें तीन सिग्नल्स हैं, दो इनपुट से एक आउटपुट, तो दोनों इनपुट में से एक इनपुट हाई होगा एक इनपुट लो होगा। पहला वाला इनपुट लो होता है जो चार्जिंग IC के द्वारा दिया जाता है, दूसरा होता है आपके जो LDO सप्लाई के थ्रू ऑन ऑफ स्विच से 3.3 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है IO के अंदर, वो लॉजिक हाई होता है, और इन दोनों लॉजिक के बिहाफ पे IO के द्वारा जो आउटपुट लॉजिक होता है PSL का वो भी लो होता है, एक्टिव ऑन लो। यानी कह सकते हैं एक्टिव ऑन लो PSL लॉजिक इनपुट जो है फर्स्ट वाला एक्टिव ऑन लो है, PSL IN सेकेंड वाला जो लॉजिक है एक्टिव ऑन हाई है, और इसका PSL OUT लॉजिक जो है एक्टिव ऑन लो है, यानी लो हाई लो की कंडीशन से बननी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ लो का मतलब ज़ीरो, नेगेटिव 0 वोल्ट, हाई का मतलब 3.3 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे PSL IN, PSL IN1, PSL IN2 और PSL OUT ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को समझते हैं। लो का मतलब हो गया है 0 वोल्ट, हाई का मतलब +3.3 वोल्ट और लो का मतलब 0। लो हाई लो का लॉजिक वर्क करता है। ठीक है, इनपुट 1 लो होगा, इनपुट 2 हाई होगा और आउटपुट रिजल्टेंट जो निकलेगा आपको वो मिलेगा आपको लो लॉजिक। ठीक है, चलिए इसी चीज को हम लोग स्कीमेटिक में देखते हैं क्या ऐसा होता है। इस चीज को मैं सेव कर देता हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। ये है आपका PSL लॉजिक। ठीक है, चलिए अब हम इसी चीज को वेरीफाई करते हैं स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक ओपन कर लेते हैं। हमारे पास हमने बताया, जैसा कि बताया आपको, 13269-1 ये स्कीमेटिक में आपको मिल जाएगा PSL लॉजिक। ठीक है, 13269-1 ये हमारा लॉजिक हो गया 3542 का मदरबोर्ड, जिसका स्कीमेटिक हमने ये ओपन कर लिया। अगर यहाँ पे अगर आप टाइप भी करते हैं PSL, इंटर करिए, आपका सर्च होके यहाँ पर आ जाएगा, देखिए PSL। एक बार देखते हैं कहाँ पर है ये चीजें, कंट्रोल जी, पावर स्विच लॉजिक दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है आपका
पीएसएल लॉजिक, देखें यहां पे इनपुट वन हो गया इन वन, पीएसएल इन वन, और ये हो गया पीएसएल इन टू। ये लिखा है यहां पे केबीसी पावर बटन हैश, और ये लिखा है एसी इन, ठीक है। सो अगर आप इसको दोबारा सर्च करेंगे तो ये आपको मिलेगा कहां से, चार्जिंग आईसी से। और ये जो आउटपुट आपको आ रहा है यहाँ पे, ये मिलेगा सीधे सीधे ऑन ऑफ स्विच से। ठीक है, ये दोनों ही लॉजिक हैं। PSL underscore input hash 2, यहाँ पे ये 3.3 auxiliary S5 supply है, LDO supply, जो इसमें पुल अप हाई रजिस्टर R2425, इस तरह के जो रजिस्टर होते हैं इसको पुल अप हाई रजिस्टर बोलते हैं। इस पुल अप हाई रजिस्टर के द्वारा इस पूरी लाइन में, इस लाइन में आपका कितना प्लस 3.3 वोल्ट की सप्लाई रन करेगी, ठीक है। और यहाँ पे इस लॉजिक में एसी इन हैश के द्वारा, एसी इन हैश सिग्नल जो है ये आपका आउटपुट किया जा रहा है चार्जिंग आईसी से, ठीक है। बट चार्जिंग आईसी की कंडीशन ऐसा होता है, यहाँ पर भी आपको एक रजिस्टर मिलेगा पुल अप रजिस्टर प्लस 3.3 वोल्ट का, लेकिन जब आप इसके स्कीमेटिक को पढ़ेंगे तो चार्जिंग आईसी ओके की कंडीशन में इस रजिस्टर के एक साइड पे ग्राउंड बना के रखेगा, नेगेटिव बना के रखेगा, अगर वर्किंग कंडीशन। ये उस ठीक उसी प्रकार से है कि कई बार हम लोग सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स को एक्टिवेट करने के लिए हाई सिग्नल्स यानी कि रिजल्टेंट, हम रिजल्टेंट में कोई ना कोई सप्लाई मिनिमम 3 वोल्ट की सप्लाई ट्रेवल कराते हैं, या कई बार उसको एब्सेंट करके सिग्नल दे सकते हैं, ठीक है। या पुराने टाइम में आपने देखा होगा, इवन हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि कई बार आप मूवीज़ में देखा होगा कि किसी को सिग्नल देना है तो टॉर्च जला के सिग्नल दिया जाता है, कई बार टॉर्च बुझा कर सिग्नल दिया जाता है, कि दो या तीन बार हम टॉर्च को ऑन ऑफ करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हम आपके गैंग के या आपकी आपको संकेत देना चाहते हैं ग्रीन सिग्नल या जो भी रेड सिग्नल। इवन हम देख सकते हैं, हम रोड स्ट्रीट लाइट्स पे देखते हैं, रेड लाइट जला के स्टॉप का सिग्नल दिया जाता है, और अगर ग्रीन लाइट जला के हम लोग ग्रीन लाइट का मतलब स्टार्ट का सिग्नल दे देते हैं, स्टॉप एंड स्टार्ट होता है। सो तरह तरह के चीज़ें हैं, सिग्नल्स हैं जिनको जलाकर, या हम देख लिए कई बार जंगल में या कहीं वीरान सुनसान जगहों में भटक जाते हैं तो उसके लिए स्मोक जलाकर सिग्नल दिया जाता है जनरली, ठीक है। अंधेरे में फायर जला के अपने प्रेजेंट मौजूदगी का सिंबल दिया, सिग्नल दिया जाता है। सो वैसे ही है कि कई बार सिग्नल जलाकर, कुछ लाइट्स प्रोड्यूस करके, कई बार लाइट्स ऑफ करके सिग्नल्स दिए जाते हैं, तो वही है यहाँ पे। ये पीएसएल लॉजिक में आपका ठीक वही फेनोमेना या वही अवधारणा यूज़ की गई है। यहाँ पे सीधे सीधे एक स्विच को हाई एक्टिवेट रखा गया है और दूसरा स्विच है जो लो एक्टिवेट रखा गया है। इन दोनों स्विच के सिग्नल्स, लॉजिक सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद आयो जो है लो लॉजिक आउटपुट करती है। चलिए हम यहाँ से चलते हैं आयो के कंडीशन पे, ठीक है। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ आपके लिए, PSL 2, PSL लॉजिक 2। अब इसी चीज़ को हम लोग यदि सर्च करते हैं, ये है आपका PSL underscore 1 कॉपी, इसे हमने सर्च कर रखा है यहाँ पे। ये हमारी आयो की पोजीशन है, देखिए इसमें आयो हमारा जो लगा है NPCE 285PA0DX लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस लॉजिक का ट्रिगर होने के लिए, इस लॉजिक जो है इसका सही वर्क करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बोर्ड ट्रिगर नहीं करता है। सो अगर इसको हम लोग देख लें कि यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, सो मैं आपको सही सिचुएशन, सही कंडीशंस के बारे में
बता देता हूँ, ये आपका PSL underscore in one hash, ये आया है चार्जिंग आईसी से, कहाँ से आया है चार्जिंग आईसी से, चार्जिंग आईसी से, और ये होगा जीरो वोल्ट। ये आया है आपका ऑन ऑफ स्विच से, और ये होना चाहिए प्लस 3.3 वोल्ट, और इसका भी आउटपुट होना चाहिए PSL आउट, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बता दिया आपको, ये भी होना चाहिए जीरो वोल्ट। तो जीरो 3.3 जीरो, ये कंडीशन ओके होने के बाद ही आपका मदरबोर्ड ट्रिगर करेगा। अगर इन लॉजिक्स में से कोई भी डिस्टरबेंस अगर आपको मिलती है, तो सबसे पहले आपको इस लॉजिक को रिपेयर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, उस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करना पड़ेगा और इसे पहले सही करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होता है, ओवर वोल्टेज होता है, तो चार्जिंग आईसी से जो PSL in underscore hash, जो PSL underscore in one hash का जो सिग्नल है, लो होने के बजाय हाई हो जाता है। ओके के कंडीशन में इसका लो होना चाहिए, और यदि ये फॉल्टी कंडीशन होता है तो ये हाई हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपका बोर्ड ट्रिगर नहीं करता है। ओके, साथ ही साथ यदि ऑन ऑफ स्विच के द्वारा जो 3.3 यानी कि ऑन ऑफ स्विच पे जो सप्लाई आती है 3 एंड 5 वोल्ट के रेगुलेटर के द्वारा 3.3, वो सप्लाई आपको मिलनी चाहिए पिन नंबर 93 पर PSL underscore in 2 hash के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई होनी चाहिए 3.3। कई बार देखिए यहाँ पे बबल्स बने हुए हैं, ठीक है। इस बबल्स को कई बार लोग नॉट गेट कंसीडर करके इस बबल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ पे सप्लाई ज़ीरो होगी। नहीं, ज़ीरो होने का मतलब यह है कि आपको वो पढ़ना पड़ेगा पहले डाटा शीट से कि किस कंडीशन के लिए ज़ीरो होगी। ओके की कंडीशन में ज़ीरो होगी या सही की कंडीशन में ज़ीरो होना चाहिए, ये इसका जवाब आपको आईसी के डेटा शीट से मिलेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि PSL underscore in one hash की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, इसका इन्फॉर्मेशन आप जब भी चार्जिंग आईसी का डेटा शीट निकालेंगे उसमें रीड करेंगे तो आपको जवाब साफ साफ मिल जाएगा। ओके, सो ओवरऑल हम यहाँ पे समझेंगे डायरेक्ट यहाँ लैपटॉप के मदरबोर्ड में उस आईसी का यूज़ किया गया है, और उस आईसी के यूज़ करने के बाद इस मदरबोर्ड की में जो PSL लॉजिक है किस तरीके से वर्क करता है। ये लॉजिक कंप्लीट होने के बाद अगर आपकी बायोस इसी बायोस 100% ओके है, तभी आपका RSM रीसेट आउट होगा। RSM रीसेट आउट होने के बाद ही आपका PCH या SOC से रिटर्न में जवाब मिलता है SLP अंडरस्कोर S5 हैश, SLP अंडरस्कोर S4 हैश, SLP अंडरस्कोर S3 हैश, ठीक है। कई बार ऐसा कंडीशन होगा कि SLP अंडरस्कोर S5 हैश ऑप्शनल होगा, क्योंकि S5 हैश या SLP अंडरस्कोर S5 कमांड का जो इस्तेमाल होता है IO रिसीव करके सीधे सीधे 3 एंड 5 वोल्ट की रेगुलेटर IC को इनेबल करती है, ठीक है। तो जनरली अगर इस मदरबोर्ड में आप देखेंगे तो 3 एंड 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर है वो एक्टिवेट होता है स्टार्टिंग कंडीशन में ही, S5 कंडीशन में ही ऑलवेज है, यानी कि कॉयल पे जो सप्लाई आपको मिलेगी ऑलवेज बिना ट्रिगर किए ही मिल जाएगी। इसका मतलब है कि SLP अंडरस्कोर S5 हैश ऑप्शनल है, इसमें IO जो है सेल्फ इनेबल कर देगी 3 एंड 5 वोल्ट के रेगुलेटर को बिना PCH SOC के परमिशन के। अर्थात अगर इस टाइप के लॉजिक में PCH या SOC को आप रिमूव भी कर देंगे तब भी आपका 3 एंड 5 वोल्ट का रेगुलेटर वर्क करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये PSL लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आपको PSL लॉजिक समझ में आया है सो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, बाय बाय।